अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर को लेकर दुनिया भर के राम भक्तों में उत्साह देखा जा सकता है। बाईस जनवरी को होने वाले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर हर कोई अपने तरीके से खुशी मना रहा है। अब यूपी की रहने वाली एक लड़की ने बैंकॉक में स्काई डाइविंग करके राम मंदिर बनने को लेकर खुशी जाहिर की है। प्रयागराज की रहने वाली 22 वर्षीय अनामिका शर्मा ने बैंकॉक में 13,000 फीट की ऊंचाई से जय श्री राम ध्वज के साथ स्काई डाइविंग करके अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के प्रति अपनी भक्ति दिखाई है। इसका मकसद बहुत ही साफ था और सिंपल था कि यूथ को और सनातन धर्म को और स्पोर्ट्स को साथ में जोड़ा जाए और भी ज्यादा प्रेरित किया जाए। हनुमान जी परम भक्त थे श्री राम जी के और उस वक्त भी आज भी एक्चुअली हनुमान जी को प्रथम स्काईडाइवर माना जाता है क्योंकि हवा में जिस प्रकार वो संजीवनी बूटी लेके आए और गए थे वो एक स्काईडाइवर का ही एक पोजीशन होता है या फिर हवा से रिलेटेड कोई भी उस युग का। तो मेरा हमेशा से काफी ज्यादा आदर था और मैं बहुत बड़ी भक्त भी हूँ श्री राम जी की। तो राम जी के परम भक्त हनुमान जी थे तो उसी से मेरे को ये इंस्पिरेशन मिला था। ये इस बार का जो मेरा स्काईडाइव था ये काफ़ी स्पेशल था क्योंकि 22 जनवरी को इतना भव्य उत्सव हो रहा है भगवान श्री राम जी को वापस घर लाने का। तो ये जंप पूरा का पूरा भगवान श्री राम और 22 जनवरी को जो भव्य आयोजन हो रहा है उनको समर्पित है मेरा ये स्काईडाइव। जी काफ़ी अच्छा लगा, एक भक्त को और एक एथलीट और एक सनातनी होने तीनों के कारण काफ़ी अच्छा लगा मुझे। इस बार आप झंडा लेकर जब कूदी तो क्या मन में भाव था और किस तरह ऊपर आपको लग रहा था? मन में भाव तो सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम था और बहुत सारा रिस्पेक्ट और बहुत खुशी थी कि मैं इस उम्र में ये कर पा रही हूँ। और काफी आसान नहीं था वो झंडा लेके कूदना क्योंकि एक्चुअली झंडे में ना रिंग्स होते हैं जो नहीं थे हमारे पास। मेरे पास सिर्फ एक फ्लैग था जिसमें भगवान श्री राम लिखा हुआ था और अयोध्या का मंदिर का बना हुआ था, लेकिन फिर भी मुझे ये जंप करना था तो मैंने हाथ से ही पकड़ के वो जंप किया विदाउट द रिंग्स, जो काफी कठिन होता है क्योंकि आप देख सकते हैं वीडियो में कि कितना प्रेशर होता है और वो उंगलियों पे बहुत प्रेशर डालता है और उतना प्रेशर आपकी उंगली तोड़ भी सकता है। तो काफी केयरफुली करना होता है, काफी प्लान करके करना होता है। तो ये सब प्लान हम ग्राउंड पे किए थे और ये जंप जब सक्सेसफुल हो गया तो बहुत ज्यादा खुशी थी मुझे।